पेन फूफा सा। वैसे हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या है, पर ऊपर से आप मुफ्त में क्यों आ रहे हो? वैसे माँ से हमारे से इतनी नाराज है कि बात तक न करे, और ऊपर से अगर हमारी वजह से वो पॉक्सो वाली मुसीबत अगर थानेदार साहब पे आ गई, तब तो हमारे प्राण बिना शोर मचाए हमारा शरीर त्याग देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस कुछ महीने और, जब तक मैं 18 साल की ना हो जाती, हमारे को कुछ भी करके थानेदार साहब से दूर रहना होगा। ये बुलबुल, ये आप क्या कर रहे थे? तुमने कभी अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाई है बुलबुल? जी। ये चोट लगने नहीं वाली थी, तुम बिल्ली की तरह उचक के उधर गई हो ना, इसलिए लगी है तुम्हें चोट। आओ इधर बैठो, बैठो। दिखाओ दिखाओ ना। पॉक्सो इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी की और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनता है, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और साथ में उसके पूरे खानदान पर भी। ओले, इतना बड़ा आंसू। बुलबुल, वैसे तो तुम्हारी हॉबी है आए दिन अभी तभी चोट लगवाते रहना, लेकिन आज इतना बड़ा आंसू, इतना दर्द हो रहा है। लाओ। वो मारे को ना खाना बनाने जाना, तो मैं जाती हूँ। तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बुलबुल, क्योंकि हमें एक जरूरी काम करना है। क्या? वही काम जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्या कर लेना चाहिए था? वाइवा की तैयारी। एग्जाम आने वाला है ना बुलबुल? हाँ हाँ। इस केस के चलते तुमने बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया है। चलो बैठो 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 बैठो। हाँ बैठो। तो थानेदार साहब रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अच्छा चलो किताबें निकालो, मैं वहां से बाकी किताबें लेकर आऊँ। चलो। थानेदार साहब इतने अच्छे इंसान और इतने अच्छे पति, बहन की बर्बादी का कारण नहीं बन सकती, इसलिए जब तक मैं 18 साल की ना हो जाती, हम एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। आंटी आपने मुझे फोन करके बुलाया, सब ठीक है ना? हाँ। बैठो। मैंने ऐसे ही अचानक तुम्हें बुला लिया, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं, वो क्या है ना बेटा, मुझे पहले ऐसा लगता था कि तुम्हें इस घर की बींदी बनना चाहिए, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया है कि जैसा मैं सोचती थी बिल्कुल सही सोचती थी। तुम समझदार हो, सब कुछ अच्छे से संभाल लेते हो, तो इस घर की बींदी तुम्हें ही बनना चाहिए था। लेकिन गलती तुम्हारी है। वीर और तुम्हारा ब्याह तो हो रहा था ना, लेकिन ऐन मौके पर फेरों से पहले तुम शादी छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई, और उनको हम ठीक भी कर सकते हैं। जैसा मैं सोच रही हूँ और जो मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर तुम साथ दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक समझदार बीवी बनोगी। What are three major problems faced in an economy? तीन समस्याएं क्या है? इकोनॉमी की। ये सवाल ही अभी तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं बता रही हूँ, वो क्या बनाए? बुलबुल, the three major problems of economy is produce. हाँ. What to produce, how to produce, and for whom to produce. उत्पादन किस चीज का किया जाए, कैसे किया जाए और किन लोगों के लिए किया जाए, यही था ना? हाँ. अभी तो याद किया था बुलबुल, तुम फिर बार बार भूल रही हो। अब हमारे को डांट क्यों रहे हो? अब भूल गई तो भूल गई। अरे भूल गई तो भूल गई का क्या मतलब है बुलबुल? कल वाइवा है, कल एग्जाम है ना तुम्हारा, और मैं डांट नहीं रहा हूँ। अभी आधी रात को तुमको कार्तिक आर्यन का कोई गाना पूछूंगा ना तो पूरा गाकर सुनाओगे, और एक गाना नहीं 2, 3, 4 गाने गाकर सुनाओगे। ये इसका जवाब तुम्हें आ नहीं रहा। हाँ तो उनके गाने इतने आसान होते हैं, पर ये पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना बुलबुल। हले क्या आइडिया दिया है थानेदार साहब। वो कार्टून फिल्म में जैसे 100 वोल्ट का बल्ब जलता ना, वैसे मेरे दिमाग में आइडिया आ गया। मैं चटना लगी आपको, किसी की भी नहीं दिया आइडिया। मैं बुलबुल मैं कब देता हूँ आइडिया तुमको? आइडिया मैं बताती हूँ, देखो। उत्पादन की है 3 समस्याएं गाए बिना कुछ समझ में ना आए, कैसे, किसके लिए और क्या बनाए, रुकावटों को कैसे दूर भगाए, बस यही है समस्याएं, बस यही है समस्याएं। जो ये ना हो तो इकोनॉमी तंग नहीं, बस यही है समस्याएं, बस यही है समस्याएं। थानेदार साहब अच्छा था ना? तो बहुत अच्छा था बुलबुल, क्या याद किया तुमने, गुड आइडिया। मैं आपको कहती थी ना, आपका दिमाग तो डबल से भी अव्वल है। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ। What is microeconomics? Microeconomics। याद आ गया। हो गई थानेदार साहब। वैसे भी माँ हमारे से बहुत नाराज है, अब तो खाना बनाना ही पड़ेगा। मैं खाना बनाने जाती हूँ। बुलबुल, कहा ना मैंने तुमसे, तुम्हें खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम अपने वाइवा, अपने एग्जाम की टेंशन लो। चलो पढ़ाई करो, चलो। ठीक है, अब पढ़ाई करनी है ना, मैं वर्णिका के साथ कर लूंगी। हाँ, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे ना तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई कर लेना बुलबुल। चलिए वीर प्रताप सिंह, आज का खाना तो आप ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि माँ के गुस्से से तो डर आपको भी लगता ही है। खाना नहीं बना तो चलो। ये मत समझना कि मैं बुलबुल से नाराज हूँ इसीलिए तुमसे ये सब कह रही हूँ और तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। तुम्हारी खूबियों की वजह से, तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम इन सब की हकदार हो। हाथ आगे लाओ। खानदानी कंगन है, बुलबुल को भी कभी नहीं दी, कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तुम असली हकदार हो। तुम्हें सच में वो सारी खूबियां हैं जो इस घर की बींदड़ी में होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से ब्याह कर लो और इस घर की बींदनी बन जाओ। फाइनली मेरी सारी प्लानिंग, सारी चालें सब कामयाब हुई। अब वीर सिर्फ मेरा होगा और मैं बनूंगी मिसेस दृष्टि वीर प्रताप सिंह। तो बोलो बेटा, ब्याह करोगी मेरे विशेष से? जानती हूँ विशेष का ब्याह पहले भी हो चुका है और शिखा बिंदिनी कुछ साल पहले हमें छोड़कर जा भी चुकी है। एक जवान बेटी भी है विशेष की। और तुम पढ़ी लिखी हो, एडवोकेट हो, सुंदर हो, तुम्हें इस दुनिया में कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो शायद मैं लालची हो रही। हाँ, मैं लालची हो रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से कभी भी ना जाओ। तुम इस घर में हमारे परिवार के साथ हमेशा रहो क्योंकि तुम एक समझदार लड़की, बिल्कुल वैसी जैसी बिंदी मुझे इस परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए थी। तुम इतनी समझदार हो कि हो सकता है कि तुम्हारी समझदारी थोड़ी थोड़ी बुलबुल में भी आ जाए और उसका रिश्ता भी हमेशा सबरा रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर की बीनी बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। मैं गीता से इस बारे में बात भी कर लूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बुढ़िया? मैं तेरे अधेड़ उम्र के बेटे से शादी करूंगी जिसकी बेटी ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी माँ बनूंगी मैं। सारा नाटक, सारी प्लानिंग मैंने तेरे बेटे विशेष के लिए नहीं की थी, वीर के लिए की थी। वीर की बीवी बनना है मुझे और वो मैं बन के रहूंगी, समझी? कहाँ खो गई? बनोगी ना मेरे घर की बीवी? आप माँ से अभी बात मत कीजिएगा, मैं माँ से खुद अपने तरीके से बात कर लूंगी। मुझे निराश तो नहीं करोगी ना दृष्टि? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। भाभी वो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो वीर भाई ने इसलिए नहीं बताया होगा। कहीं आप पढ़ाई छोड़कर सारी चीज करने में लग गए तो ये भी तो हो सकता है ना। तो अब आप जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, चलो जाओ भाभी, जल्दी से रेडी हो जाओ। फाइनली वीर भाई और बुलबुल भाभी एक रोमांटिक डेट पर जाएंगे। मुझे उस बुढ़े विशेष के साथ बांधकर खुद ये बुलबुल वीर के साथ रोमांटिक डेट पर जा रही है। मेरे होते हुए वीर के साथ रोमांटिक डेट कैसे करती है ये बुलबुल? आपने कभी अपने आप को हंसते हुए देखा है? आपको पता है कितने क्यूट लगते हैं। आज का दिन मैं तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा बुलबुल। ऑल द बेस्ट वीर प्रताप सिंह। थानेदार साहब, थानेदार साहब, आपके दोस्त भाई साहब की सगाई किसी और में एसी लगा कर नहीं कर सकते थे? ये जगह इतनी दूर है, मैं कब से यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भाग रही हूँ और कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। अब जाके आप मिले। कहाँ है दोस्त भाई से? कहाँ है आपके मेहमान? भी नजर ना आ रहे। अरे ये जगह कितनी सुंदर है। जब जगह इतनी सुंदर है तो खाना भी अच्छा ही होगा। आपको पता है वैसे भी वो विवा की परीक्षा थी ना, उसकी वजह से वैसे भी मैंने कल से कुछ भी ढंग से ना खाया। खाने में तो जरूर मालपुए और गोलगप्पे तो होंगे। और थानेदार साहब जब हम घर जाएंगे ना तो जाते जाते पान भी लेके जाएंगे। इतना बोलती हो तुम, हमारा सर नहीं दुखता। अच्छा ठीक है, अब अगले 2 मिनट तक मैं बोलूंगा और तुम चुपचाप बस मुझे सुनोगे।